माननीय मुख्याध्यापक, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मराठा साम्राज्य के महान संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज इनका जन्मदिन। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले में शिवनेरी दुर्ग पर हुआ। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माताजी का नाम जिजाबाई था। शाहजी बीजापुर सुल्तान की सेना में अफसर थे। जिजाबाई अक्सर शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थी। शिवाजी महाराज का देश के प्रति अगाध प्रेम और उनका शक्तिशाली चरित्र इन्हीं कारण बना। उनकी माता गुण स्वभाव और व्यवहार में वीरांगना नारी थी। माताजी ने उन्हें तलवार चलाना, घोड़सवारी आदि सिखाया था। बचपन में ही शिवाजी अपनी आयु के बालकों को इकट्ठे करके उनके नेता बनकर युद्ध करते और किले बनाते थे। 16 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने पुणे के तोरण दुर्ग पर हमला कर जीत हासिल की। उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण और प्रशासन की समझ दादोजी कोंडदेव से मिली थी। उन्होंने अफजल खान जैसे शक्तिशाली सरदार की हत्या बड़े चतुराई से की थी। शाहिस्ते खां को उन्होंने ऐसा सबक सिखाया कि वो मरते दम तक उसे नहीं भूला। वे एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने अपने दम पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। उनकी इसी वीरता के कारण उन्हें एक आदर्श एवं महान राष्ट्रपुरुष कहा जाता है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बहादुर, बुद्धिमानी, शौर्यवीर, दयालु शासक थे। उनकी सेना में मुस्लिम नायक एवं सेनानी थे। वह किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे। उन्हें कतई मंजूर नहीं था कि लोग जात पात की झगड़ों में उलझे। वह महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने सैनिकों को सख्त निर्देश दिए थे कि छापा मारते वक्त किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उन पर महाराष्ट्र के लोकप्रिय संत रामदास एवं तुकाराम का भी प्रभाव था। उनका व्यक्तित्व आकर्षक इतना था कि उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज का 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ पर स्वर्गवास हुआ। वे केवल मराठा राष्ट्र के निर्माता नहीं बल्कि मध्ययुग के सर्वश्रेष्ठ मौलिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। महाराष्ट्र की विभिन्न जातियों के संघर्ष समाप्त कर उनको एक सूत्र में बांधने का श्रेय शिवाजी को है। वे हमेशा कहते थे कि जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगती है। ऐसा उनका हौसला बुलंद था। आज हमारे समाज को उनके विचारों की नितांत आवश्यकता है। हम सभी को गर्व होना चाहिए कि ऐसा राष्ट्र निर्माता हमारे देश की मिट्टी में पैदा हुआ था। हमको आज से ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण समाज में करना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी उनके समृद्ध विचारों को अंगीकृत करें, हमारे देश का नाम विश्व में ऊंचा करें। हर युग में पूजे जाते हैं जो लोग, हर युग में पूजे जाते हैं जो लोग, इंसान नहीं हो तो फरिश्ते होते हैं, वो तो फरिश्ते होते हैं। बसते हैं वो हर सच्चे के दिल में, बसते हैं वो हर सच्चे के दिल में, अमर युगों युगों तक उनके किस्से होते हैं, उनके किस्से होते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।